हेलो दोस्तों, मैं सुजीत यादव आप सब लोग का ब्राइट गुरुकुल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे संधारित्र और प्रावैद्युत के बारे में, जिसमें हमने आपको पिछले वीडियो में संधारित्र की धारिता क्या होती है, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता देखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम लोग कैसे निकालेंगे, वह भी उस कंडीशन में जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई प्रावैद्युत पदार्थ रख दिया जाएगा। उसके पहले हम लोग देखेंगे प्रावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण क्या होता है। प्रावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण, प्रावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण प्रावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण पोलराइजेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक। देखिए भाई, कोई भी पदार्थ, कोई भी माध्यम हुआ, वह छोटे छोटे अणु या परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कोई भी माध्यम किसे बनाता है? छोटे छोटे अणु या परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और जो परमाणु होते हैं, मान लीजिए कोई परमाणु हो गया, इस परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जिसमें से प्रोटॉन कहाँ होता है, नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित होता है। तो नाभिक के अंदर, परमाणु के अंदर धनावेश और बाहर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। तो जब हम इस परावैद्युत पदार्थ को समांतर या संधारित्र के प्लेटों के बीच रखा जाता है, जहाँ पर संधारित्र के प्लेटों के बीच में क्या है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है, या मान लीजिए संधारित्र की प्लेटें हैं जिस पर प्लस आवेश और माइनस आवेश हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर, प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, यह हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। जब हम इसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ ला करके रखेंगे, मान लीजिए हमने इसके बीच में परावैद्युत पदार्थ ला करके रख दिया, तो इसके अंदर क्या है, धनावेश है, नाभिक में क्या है, धनावेश है। तो नाभिक में जो धनावेश होता है वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित हो जाता है, और जो ऋण आवेश होता है वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है। तो जो धनावेश है वह इस सिरे पर चला आएगा, और जो ऋण आवेश है वह इस सिरे पर आ जाएगा। अर्थात प्लेट के धन सिरे की ओर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएंगे, और प्लेट के ऋण प्लेट की ओर धन आवेश एकत्रित हो जाएंगे। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहा जाता है। इसी घटना को क्या कहा जाता है, प्रावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहा जाता है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि प्रावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। प्रावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे कोई प्रावैद्युत पदार्थ है, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र होता है जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उसे उस परावैद्युत पदार्थ का सामर्थ्य कहा जाता है। परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है वह उस
परावैद्युत पदार्थ का व उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। भंजक विभवांतर, अगला टॉपिक इसका क्या है, भंजक विभवांतर क्या होता है, भंजक विभवांतर, भंजक विभवांतर। देखिए संधारित्र के प्लेटों के बीच में वह अधिकतम विभवांतर जिस पर अगर प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो उस परावैद्युत पदार्थ में भंजन होने लगे, उस परावैद्युत पदार्थ में भंजन होने लगे तो उस विभवांतर को हम लोग कहेंगे भंजक विभवांतर। संधारित्र के प्लेटों के बीच, संधारित्र के प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर, संधारित्र के प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर, संधारित्र के प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में भंजन होने लगता है तो उस अधिकतम विभवांतर को भंजक विभवांतर कहते हैं। देखिए अगला टॉपिक इसमें देखेंगे हम लोग, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो उसकी धारिता कितनी होगी हम लोग देखेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच, धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो। देख लीजिए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी एक प्लेट ए है जिसको हम लोग प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है, दूसरी प्लेट बी है जिस पर ऋण आवेश प्रेरण के द्वारा उत्पन्न है, और इसके बाहरी सतह को हमने क्या किया, पृथ्वी से जोड़ दिया है, और इन प्लेटों के बीच में हमने एक आंशिक रूप से एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया है, हमने क्या किया, एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया है। इस परावैद्युत पदार्थ की मोटाई स्मॉल टी है, इस परावैद्युत पदार्थ की मोटाई क्या, स्मॉल टी है। प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, प्लेटों के बीच की दूरी क्या, स्मॉल डी है। तो अगर हम बात करें प्लेट ए और बी के बीच कुल विभवांतर कितना, यहाँ पर देखिए दो तरह से विभवांतर उत्पन्न होगा, एक तो परावैद्युत पदार्थ में विभवांतर उत्पन्न होगा और दूसरा ये जो खाली जगह वायु निर्वात की स्थिति है वहाँ पर भी विभवांतर उत्पन्न होगा। तो हम क्या कहेंगे, प्लेट ए व बी के बीच
विभवांतर, विभवांतर भी बराबर क्या हो जाएगा, वी वन प्लस वी टू। वी वन कहाँ है, वायु में उत्पन्न विभवांतर है, और वी टू परावैद्युत पदार्थ में उत्पन्न विभवांतर है। वी वन वायु में उत्पन्न विभवांतर, वायु में उत्पन्न विभवांतर, और वी टू परावैद्युत पदार्थ में उत्पन्न विभवांतर, परावैद्युत पदार्थ में विभवांतर। देखिए भी बराबर क्या होता है, भी बराबर ई डी से, अगर हम भी बराबर ई डी से बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, भी वन बराबर क्या होगा, ई वन डी वन, भी वन बराबर क्या होगा, ई वन डी वन, और भी टू बराबर क्या होगा, ई टू डी टू होगा। तो इस हिसाब से आपको मिल जाएगा भी बराबर ई वन डी वन प्लस ई टू डी टू। अगर जो हम यहाँ से कहें कि इन प्लेटों पर आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, इसकी प्लेटों पर आवेश पृष्ठ घनत्व कितना, सिग्मा है, तो यहाँ से अगर जो हम ई वन की बात करूँ, वैद्युत क्षेत्र की बात करूँ, तो क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। किसमें, ई वन कहाँ पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है, ई वन जो है वायु में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है, और वायु में लंबाई, वायु की दूरी कितनी होगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी डी है, और ये दूरी टी है, परावैद्युत पदार्थ की मोटाई कितनी है, स्मॉल टी है, तो जो शेष दूरी बच रही है वो कितनी होगी, तो हम कहेंगे डी वन बराबर हो जाएगा डी माइनस टी का। इसी हिसाब से ई टू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट होगा, क्यों, क्योंकि इस परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युतांक है वो कितना, के है, और डी टू बराबर क्या होगा, टी होगा। तो अगर इन सारे वैल्यू को हम इसमें पुटअप करें तो हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ से भी बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट टी, के एप्सिलॉन नॉट टी। यहाँ से देखिए कुछ कॉमन बन सकता है, यहाँ से हमारे पास कॉमन बन जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या बचेगा यहाँ से, डी माइनस टी और प्लस टी बाई के। यदि आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, यदि आवेश पृष्ठ घनत्व, यदि आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई ए, तो सिग्मा के जब हम लोग क्या रखेंगे, क्यू बाई ए रखेंगे, तो हमको मिल जाएगा भी बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये मिल जाएगा हमको। संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता क्या होती है, C बराबर क्यू बाई वी। हम क्या करें, यहाँ से V का मान रख दें, तो जब V का मान रखा जाएगा यहाँ पर, तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के होगा। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो C बराबर क्या मिलेगा, ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। यह हो जाएगी इस संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रखा होगा। इसको हम लोग बना देंगे समीकरण नंबर एक। अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे संधारित्र की ये जो धारिता है, कुछ इसमें कंडीशन देख लेते हैं, किन कंडीशनों पर इसकी धारिता कितनी होगी। देखिए पहला कंडीशन हम लोग इसमें देख लेते हैं, कंडीशन फर्स्ट, जब प्लेटों के बीच में पूरे स्थान पर, या जो प्लेटों के बीच में पूरे कंप्लीट जगह पर हम क्या रख दें, परावैद्युत पदार्थ रख दें, जब प्लेटों के बीच में, जब प्लेटों के बीच में पूरे स्थान पर, पूरे स्थान पर परावैद्युत पदार्थ भरा हो, परावैद्युत पदार्थ भरा हो, जब पूरे जगह पर परावैद्युत पदार्थ होगा, तो जो टी होगा वह डी के बराबर होगा, अर्थात जो संधारित्र की मोटाई होगी वो प्लेटों के बीच की दूरी के बराबर होगी। तो समीकरण एक से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा
सी बराबर ए एफ सेलन नॉट बटे डी माइनस टी, डी माइनस डी हो जाएगा प्लस डी बाई के। जहाँ जहाँ टी है वहाँ हम क्या रख देंगे, डी रख देंगे। तो देखिए डी माइनस डी से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और के बच जाएगा। तो यहाँ से सी बराबर ए एफ सेलन नॉट बटे डी बाई के, अर्थात सी बराबर हो जाएगा के ए एफ सेलन नॉट बाई डी। पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन देखिए क्या हो सकता है, अब प्लेटों के बीच में पूरे जगह पर वायु या निर्वात की स्थिति हो। दूसरा कंडीशन में क्या देखेंगे, जब प्लेटों के बीच में, इधर से साफ कर दें हम लोग, जब प्लेटों के बीच में वायु या निर्वात हो, जब प्लेटों के बीच में वायु या निर्वात होगी तो टी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा होगा, तो परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा होगा तो उसकी मोटाई नहीं होगी, तो यहाँ से टी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा समीकरण एक से, अगर हम बात करेंगे समीकरण एक से, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी माइनस जीरो, टी का वैल्यू क्या रखेंगे, जीरो प्लस जीरो बटा के। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी, अर्थात यहाँ पर जो संधारित्र की धारिता होगी वो कितनी होगी, ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी होगी। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए कि प्लेटों के बीच में स्मॉल टी मोटाई की धातु की पट्टी रखी हो, यदि प्लेटों के बीच में स्मॉल टी मोटाई की धातु की पट्टी रखी हो, तीसरा कंडीशन इसका, ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन, यदि प्लेटों के बीच में, यदि प्लेटों के बीच में स्मॉल टी मोटाई की, स्मॉल टी मोटाई की धातु की पट्टी रखी हो, धातु की पट्टी रखी हो, तब देखिए जहाँ धातु की पट्टी होगी तो धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, धातु का परावैद्युतांक होता है अनंत। तो इस हिसाब से समीकरण एक से आपको मिल जाएगा, समीकरण एक से C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी माइनस टी, डी माइनस टी प्लस टी का वैल्यू क्या रखेंगे, टी ही होगा और के का वैल्यू क्या होगा, अनंत होगा। और वन अपॉन अनंत का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो यह टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अर्थात सी बराबर मिल जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी माइनस टी। तो यहां से उस संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी माइनस टी। अगर मान लीजिए इस संधारित्र के प्लेटों के बीच में कोई एक पट्टी, किसी एक परावैद्युत पदार्थ की कोई एक पट्टी न रख करके कई परावैद्युत पदार्थों की कई पट्टियां रखी जाएं और उनकी मोटाइयां भी क्या हो, अलग अलग हो, पदार्थ भी क्या हो, अलग अलग हो। जब पदार्थ अलग अलग होगा, मोटाई अलग अलग होगा, तो उसके परावैद्युतांक भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो लास्ट कंडीशन इसका देखेंगे, यदि प्लेटों के बीच में यदि प्लेटों के बीच में कई पट्टियां रखी हों, यदि प्लेटों के बीच में कई पट्टियां रखी हों, परावैद्युत पदार्थ की कई पट्टियां रखी हों, जिनके परावैद्युतांक K1, K2, K3 .. और मोटाइयां क्रमशः T1, T2 T3 .. हो, तब देखिए यहाँ से तब उस संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट। भाई प्लेटों का क्षेत्रफल हम बदल नहीं रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, यह भी नहीं बदल रहे हैं, प्लेटों के बीच की दूरी को भी नहीं बदला जा रहा है, क्या बदला जा रहा है, माइनस
क्या हो जाएगा यहाँ से T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 जितनी भी पट्टियाँ रखी हों, फिर क्या हो जाएगा प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यह हो जाएगा उस संधारित्र की धारिता। कब? जब संधारित्र के प्लेटों के बीच में कई पट्टियां रखी हों जिनकी मोटाइयां और परावैद्युतांक क्या हो, अलग अलग हों। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। आवेशित समांतर प्लेट, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की, संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच में वैद्युत, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। पहले तो हम ये जानेंगे ऊर्जा घनत्व क्या होता है। ऊर्जा घनत्व क्या होता है? एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। एकांक आयतन में, एकांक आयतन में संचित, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। मान लीजिए आपके पास कोई संधारित्र है, हमारे पास क्या कोई संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल a है, प्लेटों का क्षेत्रफल a है, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। मान लिया कि कोई संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल a है और प्लेटों के बीच की दूरी d है, तो वायु में, वायु में धारिता क्या हो जाएगी इसकी, वायु में उस संधारित्र की धारिता C बराबर क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो जाएगा। आपने क्या लिया, आपने माना आपके पास कोई समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है, इनके प्लेटों का क्षेत्रफल ए है और इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है, तो वायु या निर्वात में संधारित्र की धारिता क्या होगी, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होगी। यदि इन प्लेटों के बीच में विभवांतर भी हो, यदि इन प्लेटों के बीच में विभवांतर भी हो, तब इस वैद्युत क्षेत्र में, जो इस प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र है, इसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी। यदि प्लेटों के बीच में, यदि प्लेटों के बीच में विभवांतर भी हो, विभवांतर भी हो, तब, यदि प्लेटों के बीच में विभवांतर भी हो, तब वैद्युत क्षेत्र में, तब वैद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा, तब वैद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा क्या हो जाएगी, U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। सी का वैल्यू यहाँ से अगर हम रखें तो U बराबर मिलेगा हाफ ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी वी स्क्वायर, ए एप्सिलॉन नॉट बाई वी इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू वी स्क्वायर। अगर प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र E है, यदि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E है, वैद्युत क्षेत्र E है, तब देखिए E बराबर क्या होता है, वी बाई डी, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, ई डी। तो जहाँ भी है वहाँ क्या रखेंगे हम लोग, ई डी रखेंगे। तो अगर भी का मान ई डी रखा जाएगा तो इस हिसाब से आपको मिल जाएगा U बराबर हाफ ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और भी की जगह क्या रखिएगा, ई स्क्वायर डी स्क्वायर, एक डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा, तो U बराबर आपको मिलेगा हाफ ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी स्क्वायर।
यहाँ से ये आपको a इंटू डी, या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं u बराबर हाफ एफ सेलन नॉट ई स्क्वायर ए डी। ए डी क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। तो यह तो ऊर्जा हो गई, कुल ऊर्जा निकल गई आपके पास। यहाँ पर संचित कुल ऊर्जा कितनी हो गई? u बराबर हाफ एफ सेलन नॉट ई स्क्वायर ए डी हो गई। हमको क्या चाहिए? ऊर्जा घनत्व चाहिए। ऊर्जा घनत्व क्या होता है? एकांक आयतन में संचित ऊर्जा होती है। तो अगर हम यहाँ से ऊर्जा घनत्व निकालें, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व को अगर हम स्मॉल यू से दिखाएं तो स्मॉल यू बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल यू बटा ए डी। ए डी क्या है? आयतन है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपके पास? हाफ एफ सेलन नॉट ई स्क्वायर ए डी बटा ए डी। ए डी से ए डी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यू बराबर मिल गया हाफ एफ सेलन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एफ सेलन नॉट ई स्क्वायर। यह क्या हो गया? एकांक आयतन में संचित ऊर्जा मिल गई, अर्थात ऊर्जा घनत्व हो गया। अगर हम इस संधारित्र को किसी माध्यम में रखे हों, या प्लेटों के बीच में कोई माध्यम हो जिसका प्रवैधतांक के हो, यदि प्लेटों के बीच में के प्रवैधतांक वाला माध्यम हो, के प्रवैधतांक वाला माध्यम हो, के प्रवैधतांक वाला माध्यम हो, तब क्या हो जाएगा भाई? यहाँ से स्मॉल यू बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होगा? जूल प्रति मीटर क्यूब, या हम यहाँ लिख सकते हैं इसको जूल प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। तो यह हो गया क्या? आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा। देखिए अब इसमें इसका अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, संधारित्रों का समायोजन। संधारित्रों का संयोजन। देखिए संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से किया जाएगा, एक श्रेणी क्रम में किया जाएगा और एक समांतर क्रम में किया जाएगा। तो पहला हम लोग देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। पहला क्या देखा जाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन उस प्रकार का होता है जैसे जंजीर की दो कड़ियां जुड़ी होती हैं। जब इस प्रकार का संयोजन मिले, मतलब एक कड़ी फिर उसी के साथ दूसरी कड़ी जुड़ी हो, फिर उससे तीसरी कड़ी, चौथी कड़ी, इस प्रकार से जुड़ा हो, तो उसको कहेंगे श्रेणी क्रम का संयोजन कहा जाएगा। तो श्रेणी क्रम के संयोजन में मान लीजिए आपके पास यह संधारित्र है जिस पर प्लस आवेश है और इस प्लेट पर माइनस आवेश है, यह दूसरा संधारित्र है इस पर प्लस आवेश है इस पर माइनस आवेश है, एक और संधारित्र है। इन संधारित्रों के, मान लीजिए इस पहले संधारित्र का ऋण प्लेट दूसरे संधारित्र के धन प्लेट से जुड़ा हो, फिर दूसरे का ऋण प्लेट तीसरे के धन प्लेट से जुड़ा हो, इसी प्रकार से जितने भी जुड़े हों उन सबको जोड़ लिया जाए और अंतिम वाले संधारित्र के बाहरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, तो इस संयोजन को समान श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। श्रेणी क्रम के संयोजन में आवेश एक समान होता है, सब पर आवेश क्या होता है? एक समान होता है। मान लीजिए यहाँ से क्यू आवेश गया तो इस संधारित्र पर आवेश Q होगा, यहाँ पर भी आवेश Q होगा और यहाँ पर भी आवेश Q होगा। सभी प्लेटों पर, सभी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश एक समान होगा, लेकिन उनके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? अलग अलग होगा। तो मान लीजिए इस संधारित्र की धारिता C1, इस संधारित्र की धारिता C2 और इसकी धारिता C3 है, इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V1, इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V2 और इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V3 हो, तो हम अगर यहाँ से बात करें A और B के बीच विभवांतर, देखिए A और B के बीच विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी बराबर वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री हो जाएगा। देखिए वी बराबर क्या होता है? वी बराबर आप पढ़े हैं क्यू बाई सी होगा,
भाई सी बराबर क्यू बाई वी होता है तो वी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी होगा। तो यहाँ से आप वी वन बराबर क्या लिख सकते हो, क्यू बटे सी वन। भाई क्यू क्यों लेंगे, क्योंकि सब पर आवेश क्या एक समान है। तो और वी टू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी टू। वी थ्री बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी थ्री। तो इस हिसाब से आपको मिल जाएगा वी बराबर क्यू अपॉन सी वन प्लस क्यू अपॉन सी टू प्लस क्यू अपॉन सी थ्री। तो यहाँ से Q कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री। यदि इन तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता C हो, यदि संधारित्रों की तुल्य धारिता, यदि तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता, यदि तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता सी हो, तब तो भी बराबर क्या रखोगे आप, क्यू बाई सी रखोगे, आवेश तो वही रहेगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्यू बाई सी बराबर क्यू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, वन अपॉन सी इजकल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री। तो इस संधारित्र की तुल्य धारिता क्या होगी, वन अपॉन सी इजकल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। अर्थात इस कंडीशन में हमेशा धारिता क्या होती है, घट जाती है। तो क्या लिखोगे आप, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता घट जाती है, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता घट जाती है, तुल्य धारिता घट जाती है। अब इसमें हम लोग इसका समांतर क्रम संयोजन देखते हैं। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, देखिए समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, एक संधारित्र हमने लिया, इस संधारित्र पर प्लस आवेश है और इसकी दूसरी प्लेस पर प्रेरण द्वारा उत्पन्न माइनस आवेश है। एक और संधारित्र लिया हमने, एक और संधारित्र लिया, तीन संधारित्र मान लीजिए हमने ले लिया, और इन तीनों संधारित्रों के आवेश Q1 Q2, इस पर आवेश क्या है, Q1 है, इस पर आवेश Q2 है और इस पर आवेश Q3 है। जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इनकी जो आवेश होते हैं वह अलग अलग होते हैं, इनको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। समांतर क्रम में जब तब यह जुड़ेंगे जब इन सभी के धन आवेश एक बिंदु से जुड़े हों और ऋण आवेश दूसरे बिंदु से जुड़े हों। तो इस संयोजन को आप क्या कहोगे, समांतर क्रम का संयोजन कहोगे। यह मान लीजिए ए सिरा हो गया और ए बी सिरा हो गया। तो समांतर क्रम के संयोजन में विभव समान होता है, समांतर क्रम के संयोजन में विभव समान होता है और आवेश भिन्न भिन्न होते हैं। तो इनके आवेश हमने देख लिया, इनकी धारिताएं मान लीजिए C1, C2, C3 हो और इनके बीच का जो कुल विभव हो क्या हो, भी हो। तो अगर हम A और B के बीच, यदि A व B के बीच कुल आवेश Q हो, तब जब A और B के बीच कुल आवेश Q होगा तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। तो अगर हम यहां पर देखिए Q1 बराबर क्या मिलेगा, Q बराबर CV से, Q बराबर CV से, Q1 बराबर क्या मिलेगा, C1 V क्यों लेंगे, क्योंकि विभव सब में क्या है एक समान है, जितना विभव इसके पास उतना ही विभव इसके पास उतना ही विभव इसके पास। तो Q1 बराबर C1 V, Q2 बराबर C2 V, Q3 बराबर C3 V। तो इस हिसाब से आपको मिल जाएगा Q बराबर C1 V प्लस C2 V प्लस C3 V, V कॉमन हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। यदि
तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता C हो, यदि तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता C हो, यदि तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता C हो तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। Q बराबर CV रखने पर तो आपको मिल जाएगा CV बराबर भी C1 प्लस C2 प्लस C3, भी से भी कैंसिल हो जाएगा, C बराबर मिलेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो हमने देखा कि अगर हम संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसकी तुल्य धारिता का मान बढ़ जाता है। तुल्य धारिता क्या होती है, अलग अलग जो धारिताएं होती हैं उन धारिताओं के योग के बराबर होती है। तो आप क्या लिखोगे, समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता बढ़ जाती है, तुल्य धारिता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लेसन को कंप्लीट कर लिया। अब इसके अगले वीडियो में हम आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।